everyone, this is Nirmala. Welcome to my channel Nirmala Physics. So guys, in our previous lecture we have completed lots of topics in chapter 1st, like Coulomb's law, vector form of Coulomb's law, and superposition principle, quantization of charge, additivity nature of charge. Okay, and today we will study some numerical portion based on that topics. Okay, बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर फर्स्ट में. चैप्टर जो फर्स्ट है हमारा फिजिक्स का, उसमें हम उस पर जो हमारे कूलम्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे. तो जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है वो है इस तरह से. देखिए सबसे पहले रीड कर लीजिए आप इसे खुद. द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज आर. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन दैम इज कैपिटल एफ. वट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ई वो जो लिखा है बच्चों वो हमारा एक शॉर्टकट है. इलेक्ट्रोस्टैटिक विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड एट द सेम डिस्टेंस. पढ़िए इसको, समझिए, फिर हम आपको समझाते हैं. आ गया वो समझ में? आंसर भी आप लोग निकाल लेंगे. ठीक है, चलो हम बता देते हैं. द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज स्मॉल आर. बच्चों हमारे पास दो प्रोटॉन है. पहला प्रोटॉन, देखो प्रोटॉन में कुछ ना कुछ अपना चार्ज होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला चार्ज है क्यू वन, क्यू टू. वेट, देखो जैसे कि मैंने बताया दो प्रोटॉन है हमारे पास क्यू वन क्यू टू. प्रोटॉन पे अपना एक चार्ज होता है, ठीक है, और कुछ डिस्टेंस हमारी स्मॉल आर पर है. देखिए बच्चों हमने जैसे कि बात की थी कि कोई भी टू पॉइंट चार्ज होंगे और कुछ डिस्टेंस पर क्या है प्लेस्ड है वो, तो उनके बीच जो हमारा कूलम्स फोर्स होता है वो कितना होता था, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा था. बट हेयर क्यू वन क्यू टू दो प्रोटॉन हो, तीन प्रोटॉन हो, चार प्रोटॉन हो, बट जितने भी हमारे प्रोटॉन्स होते हैं उन पर चार्ज कैसा होता है, ई. ठीक है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम पॉजिटिव चार्ज. यह बात हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया है. इज इट क्लियर? ओके, यहां पर अगर हम रखते हैं, देखिएगा हमें उसने बोला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कैपिटल एफ. ओके, तो अगर हम एक बार यहाँ को रख दें तो हमारे पास क्या आएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू मीन्स ई ई, सीधे रखेंगे आप ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. बस यहाँ पे इस वैल्यू को रख के भी कोई फायदा नहीं है, बस आपको समझाने के लिए कि ई की वैल्यू हमारी इतनी है. नाउ क्वेश्चन फर्स्ट ठीक हो गया. नाउ कंसिडर वट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स. अगर इन दो चार्जेस की जगह पर, चार्जेस पर प्रोटॉन की जगह पर हमारा कौन आ जाए, इलेक्ट्रॉन आ जाए, तब क्या होगा, तब हमारा फोर्स कितना होगा. बहुत छोटा सा आंसर है वैसे इसका, फिर भी हमने आपको प्रूव करके दिखाएंगे. ठीक है, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे लिख देंगे आप इन केस ऑफ प्रोटॉन्स. ओके, क्यू वन इक्वल टू क्यू टू इक्वल टू माइनस का ई. ठीक है, अगर हम माइनस लगा देंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. नाउ सपोज फोर्स क्या है हमारा, एफ वन लेना इसको. ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ क्यू वन एंड क्यू टू, माइनस ई इंटू माइनस ई. बाय द वे एक बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हम क्या नहीं करते हैं, माइनस का साइन हम नहीं लगाते हैं. किसमें, ये जो फोर्स, ये जो वैल्यू है हमारी एफ इक्वल टू 1.4 पाई, हमने केवल मैग्नीट्यूड लेना है. बट फिर भी क्यू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा. ओके, स्क्वायर होने के बाद हमारा क्या आएगा, 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. एंड भाई ये वाली वैल्यू जो है हमारी वो कौन सी है, ये वाली है नहीं, ये सेम. तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एफ, दैट इज द फोर्स
acting between two electrons placed at the same distance, क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस भी हमने क्या बोली है, सेम डिस्टेंस मीन्स आर, आर डिस्टेंस पर ही रखे होगा दो इलेक्ट्रॉन, तब फोर्स क्या होगा, फोर्स विल बी रिमेन सेम, कोई ना मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है हमारा चार्ज का और ना ही हमारा डिस्टेंस चेंज हुई है. इज इट क्लियर? जल्दी से इसको नोट करेंगे. सेकंड न्यूमेरिकल जल्दी से नोट करेंगे आप लोग. द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड माइनस वन कूलम ईच इज 1 meter. The force of 9 into 10 to the power 9 newton is acting between them. If they are placed into the water at the same distance, what will be the force acting between them? For water, epsilon r equal to 80. देखिएगा, कह रहे कि हमारे पास दो point charge हैं, जिनके magnitude कितने हैं? Minus 1 coulomb है. Okay? तो भाई हम वही करेंगे जो हम करते हुए आ रहे हैं. There are two point charge, Q1 and Q2. So that the distance between them is small r. ठीक है, Q1 की वैल्यू हमारे पास है माइनस वन कूलम, Q2 की वैल्यू भी माइनस वन कूलम. ओके, द फोर्स ऑफ इतना न्यूटन इज एक्टिंग बिटवीन दैम, इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, कितना है, 9 into 10 to the power 9 newton. आई बात समझ में? देखो बच्चों, बच्चों जैसा है, आप ही की जरा छोटा सा क्वेश्चन. ओके, इफ दे आर प्लेस्ड इन टू द वॉटर एट द सेम डिस्टेंस. अब मैंने क्या किया, इस सिस्टम को पकड़ कर, देखिए ये था एयर में, एयर में कह दीजिए आप, या फिर आप सीधे सीधे वैक्यूम मान लीजिए. ठीक है, ओके, नाउ दिस सिस्टम हैज बीन प्लेस्ड इन टू अ वॉटर, वॉटर में रख दिया मैंने इसको. अब क्या होगा, अब क्या होगा मेरे बच्चे, ये देखिए. ठीक है, आपको पता है मैंने बोला था, जब हमने किसकी बात की थी, डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की बात की थी, तो हमने बोला था किसी मीडियम का डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग होता है. जैसे वैक्यूम का हमारा 1 होता है, एयर का भी कुछ लगभग लगभग हमारा 1 होता है. मेरी बात समझ में आ रही है? अब क्या करना है हमको, हमने इसको इसमें रखा, तो इसका और जो डिस्टेंस है वो सेम होनी है. डिस्टेंस कितनी थी, डिस्टेंस 1 meter है, आर इक्वल टू 1 meter, पहले भी यही थी बाद में भी यही है. ओके, नाउ इसकी बात करें, अगर इन केस ऑफ इन एयर की बात करते हैं, या इन वैक्यूम कह लीजिए आप सीधा, फ्री स्पेस एफ इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r square. ऐसा होता है, ठीक है, नाउ ठीक, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे आप. सेकेंड केस, इन वाटर, केस ऑफ वाटर, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा. नाउ लेट फोर्स इज एफ वन, ठीक है, या एफ डब्ल्यू ले लीजिए आप इसे. एफ डब्ल्यू क्या होगा, 1/4 pi epsilon. वाई, हमारा जो मीडियम होता है, मीडियम के लिए जो हमारी परमिटिविटी होती है वो कितनी होती है, हमारी एप्सिलॉन होती है. ये हमारी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ओके, एप्सिलॉन Q1 Q2, बिकॉज चार्ज क्या है हमारे, सेम है, Q1 Q2, डिस्टेंस भी हमारी सेम है. ओके, अब क्या होगा, एफ डब्ल्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना, व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन दैम हमें फाइंड करना है. वाटर में रखने के बाद क्या होगा, 1/4 pi epsilon. देखिए हमने इसकी बात की थी कुछ, epsilon naught into epsilon r. ओके, epsilon r Q1 Q2 upon r square. इसी के आगे मैं चलो छोड़, यहाँ पर देखिए 4 pi epsilon naught, इस epsilon r को थोड़ा सा अलग फेंक देते हैं, Q1 Q2 upon r square. ओके, ये हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन आर. दिस वैल्यू इज, ठीक है बच्चों, दिख रहा है आप लोगों को, एक मिनट, नाउ सी एफ डब्ल्यू, दिस वैल्यू इज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज एफ, this is f
from equation first, this is F and 1 upon epsilon R. F की वैल्यू कितनी है? 9 into 10 to the power 9 newton upon में हमारे पास है 80. ओके, सॉल्व कीजिए इसको और आंसर निकालेंगे आप लोग. आपका आंसर आएगा 1.125 into 10 to the power 8 newton. और कुछ अलग आए तो मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हो सकता है कि पॉइंट में कुछ अंतर हो और यहाँ पे 10 की पावर कुछ हो जाए. ओके, इसे जल्दी से नोट करेंगे आप लोग. नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं. देखिए बच्चों, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, पहले अलग टाइप का न्यूमेरिकल, फिर थोड़ा और हार्ड, फिर थोड़ा और मॉडिफाइड. ठीक है, जल्दी करें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 कूलम चार्ज? एक कूलम चार्ज बनाने के लिए, एक कूलम चार्ज की फॉर्मेशन के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होगी? ठीक है, बहुत इजी सा है, छोटा सा है, हो सकता है मुझे इसे नहीं भी कराना हो. ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे हैं भाई ये तो कराने नहीं चाहिए, तो हम कब का कर चुके हैं. ओके, फिर भी देखिए, 1 कूलम चार्ज कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पर मुझे देखिए, हमको पता है इलेक्ट्रॉन देने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने से हमारा चार्ज फॉर्म होता है. ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल देंगे तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इलेक्ट्रॉन अगर इनमें से डोनेट कर दिया तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा. कि हम इस ऑब्जेक्ट को कितने इलेक्ट्रॉन्स दें. ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स दें कि हमारा टोटल चार्ज कितना हो जाए, 1 कूलम चार्ज बन जाए. ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है. तो बताइए कौन सा रूल लगेगा. अरे बताइए, अरे हाँ सही बोला, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. गुड, क्यू इक्वल टू 1 कूलम, ई की वैल्यू हमारे पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. ठीक हो गया, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन की वैल्यू. ठीक है, सिंस क्यू इक्वल टू एन ई, साइड पे लिख लेंगे या ऊपर से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ओके, क्यू की वैल्यू हमारे पास 1, इतना चार्ज हमको बनाना है, एन हमको फाइंड करना है. दिस इज ओके, एन इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 लाम. जल्दी से इसको क्या करेंगे वो कीजिए, सॉल्व कीजिए. 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इतने इलेक्ट्रॉन्स, बिल्डिंग अप इलेक्ट्रॉन्स. तो बच्चों हमें इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए भाई एक कूलम लाने के लिए, इतने इलेक्ट्रॉन. आई बात समझ में, जल्दी से नोट कीजिए, छाप लीजिए जल्दी से. नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम. देखिएगा, सेम टाइप ऑफ टू हाईली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर समहाउ जॉइंड बाय अ नायलॉन थ्रेड एंड केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल. पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, इफ द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 कूलम एंड द लेंथ ऑफ नायलॉन थ्रेड इज 1.5 मीटर, then calculate the tension imparted in thread. What will be the tension if the whole system is immersed in water? अरे भाई ये तो वैसे ही वाला है ना, ये वही क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले किया था. ठीक है, कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत अलग है और थोड़ा सा घुमा के दे रखा है. देखिए, सेम टाइप ऑफ टू हाईली चार्ज पार्टिकल, दो हाईली चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, somehow joined by a nylon thread kept on a smooth horizontal table. तो पहले हम एक टेबल बनाएंगे, टेबल बना दी हमने, बदले टेबल. ठीक, अब क्या करना है आपने, एक नायलॉन का थ्रेड लेना है, थ्रेड मीन्स एक धागा होगा. ठीक है, और जो दो हाईली चार्ज जिसकी हम बात कर रहे हैं, हाईली चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनको क्या करना है, नायलॉन थ्रेड से बांध के रखना है. एक यहाँ पे रख दिया और एक यहाँ पे. ठीक है, ठीक हो गया. दिस चार्ज इज क्यू वन एंड दिस इज क्यू टू. इफ द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज इतना इतना, इतना. Q
Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू, दोनों सेम है, सेम टाइप लिखा है, 10^-5 खुला। द लेंथ ऑफ द थ्रेड, थ्रेड की लेंथ मीन्स आप ऐसे कह सकते हो धागे की लंबाई बोलो या फिर आप उसको डिस्टेंस बोल दीजिए। R इक्वल टू 1.5 मीटर। देन कैलकुलेट द टेंशन इम्पार्टेड इन थ्रेड। देखिए बच्चों, टेंशन बोलिए या फिर आप फोर्स बोलिए। अब टेंशन क्यों बोला है, बिकॉज देखिए ये दोनों सेम टाइप के चार्ज हैं, मैग्नीट्यूड तो है ही सेम, और साथ ही साथ इनका देखिए पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तो वो भी नेगेटिव। उसने पहले से मेंशन किया है सेम टाइप ऑफ चार्ज, मीन्स पोलैरिटी क्या है दोनों की, सेम है। ठीक है, अब देखिए सेम टाइप ऑफ चार्ज क्या करते हैं, ये चाहिए कहेगा इससे भाग यहाँ से, वाई बिकॉज टू सेम टाइप ऑफ चार्ज अपोज ही चलता है। ठीक है, ये इसको अपोज करेगा और ये इसको अपोज करेगा, इस तरह से हमारा जो भागा है एक बिल्कुल टाइट टेंशन में रहेगा। ये बात सबको समझ में आ रही है, दो एक अपने धागा पकड़ना है, उसके बाद एक को यहाँ से खींचिए एक को यहाँ से खींचिए, तो बिल्कुल स्ट्रेट मिलेगा धागा। ठीक है, उसमें बिल्कुल भी क्या नहीं होगी कर्वनेस, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो यही क्या है टेंशन, और यही टेंशन मीन्स एक फोर्स है, ये फोर्स हमको क्या करना है फाइंड करना है। ओके, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द टेंशन इफ द होल सिस्टम इज इमर्ज्ड इन वाटर। अब इसी को मैंने पकड़ के कहाँ रख दिया, वाटर में रख दिया, तब हमारा फोर्स कितना होगा वो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, ये हमारा बिल्कुल पहले जैसा है। ठीक है, जल्दी से करें क्या, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या होता है कूलम्स लॉ, एफ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 r2। आई बात समझ में नहीं आई, ठीक है जल्दी से वैल्यू पुट करेंगे। दिस इज 9×10^9, इसकी वैल्यू मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। ठीक है, जल्दी से वहाँ जाएं और उसको नोट कर लेंगे, 9×10^9 इसकी वैल्यू, इसकी 1/4πε0 Q1 Q2। देखिए दोनों सेम चार्ज है, इट मीन्स 6×10^-5 का होल स्क्वायर कर देंगे आर। सबसे पहले देखिए न्यूमेरिकल करने से पहले आपको ये आप लोग ये श्योर कर लीजिएगा कि हमारी जो यूनिट्स हैं जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब हमारी SI यूनिट में है या नहीं है। ठीक है, अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो 10^-2 लगाकर आप मीटर में चेंज करेंगे इसको, अभी ऑलरेडी हमारा मीटर में है SI यूनिट 1.5 का होल स्क्वायर, जल्दी करें। इसकी वैल्यू निकालेंगे आप, सॉल्व करते हैं बच्चों, देखो न्यूमेरिकल को इतना टफ मत समझा करें, इसकी प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके उतनी ज़्यादा कमांड बनेगी। ठीक है, हमको सब आता है, डिवाइड भी आता है, मल्टीप्लिकेशन भी आता है, बट हम एक ग्रुप ऑफ नंबर्स को देखकर हम थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। 9×10^9 देखिए स्क्वायर खोलते हैं 6×6। ठीक है, 10^5 को जब 5×2 = 10 होता है, ये बात सबको समझ में आती ना, × 1.5 × 1.5। ओके, यहाँ पर चलते हैं, क्या करना है देखिएगा, बहुत छोटा सा। सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने कंफ्यूजन जो हमें कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, 10 की पावर्स को सब अलग फेंक दो, 10^9 ये -10 क्या बचा मेरे पास, 9×6×6। ओके, और एक चीज़ और, ये पॉइंट भी हटा देना चाहिए, यहाँ से पॉइंट हटा हमारा, एक पॉइंट यहाँ से हटेगा तो क्या होएगा, यहाँ पर 10 बढ़ जाएगा, एक पॉइंट और हटेगा तो 100 हो जाएगा, 15×15 3×3 = 9 देखिएगा, 3×5 = 15 बस क्वेश्चन सॉल्व, 6×6 = 36 5×5 = 25 × 10 ये क्या हो जाएगा, -1 + 2 है ना, 10^2 है यार, प्लस हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, मुझे बताओ क्या आ रहा है आंसर, 36 अरे वाह, 25×1 = 25 ये तो हम बचपन में आ गए क्लास 5th-6th में, 25×1 = 25 1 1 पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 25 = 100 10 अगेन
0, 10 4 जा, सॉरी 25 4 जा 100, ओके, क्या आया देखिए, 1.44 इंटू 10 टू द पावर, दिस इज 10, 1 आ गया, हम इसको अगर हम सॉल्व कर दें तो 14.4, एक पॉइंट हमारा पीछे खिसक जाएगा, दिस इज न्यूटन, दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। क्या समझ में आ गई? देखिए बहुत इजी होता है न्यूमेरिकल करना, बट आपको स्टेप वाइज स्टेप देख के करना है, ऐसा नहीं सारे को न्यूमेरिकल को देख के थोड़ा सा हम हौच पौच हो जाते हैं। ये बात समझ में आई? जल्दी से इसको नोट करेंगे कि हम इसका जल्दी से सेकंड पार्ट करते हैं, कौन सा, व्हेन इट इमर्ज्ड इन वाटर। पॉज कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों जैसे कि हमने देखा हमारा फोर्स आ गया है, इफ सेकंड केस क्या है हमारा, व्हेन केस सेकंड मान लेते हैं यहाँ पर, केस सेकंड व्हेन सिस्टम इज इमर्ज्ड इन वाटर, व्हेन होल सिस्टम इज इमर्ज्ड इन वाटर, देन एफ डब्ल्यू इज द टेंशन एक्टिंग बिटवीन देम, कैसी होगी, 1/4 pi एप्सिलॉन, ओनली एप्सिलॉन, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस सेम कही थी उसने, ठीक है, विल बी द टेंशन, हाँ वही सिस्टम पूरा, मतलब मीन्स धागा वही होना चाहिए, मतलब डिस्टेंस सेम रहेगी, देखिएगा एफ डब्ल्यू, इसको हम ऐसा कर सकते हैं 1/4 pi वही जिससे हमने जस्ट लास्ट क्वेश्चन किया था, एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इट मीन्स 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1/ एप्सिलॉन आर। देखिए ये वाली वैल्यू Q1 Q2 ये पूरी वैल्यू हमारी कौन है बच्चों, ये, ठीक है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 14.4 इंटू 1/ एप्सिलॉन आर। इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में हमने किया था कि एप्सिलॉन आर डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना होता है वाटर का, 80 होता है, ठीक है, कहीं कहीं पर देखिए एप्सिलॉन आर इक्वल टू 80 देगा या समटाइम के लिख देगा, उसको भी नोट के से कर देता है, ठीक है, तो घबराइएगा बिल्कुल भी मत, 80 जल्दी से सॉल्व करेंगे, जल्दी आंसर निकाल देंगे, 0.18 न्यूटन, जल्दी से सॉल्व करेंगे, मैं बुक से लिख रही हूँ, आप एक बार अपनी तरफ से सॉल्व करना, आंसर गलत होगा तो मुझे लिख के देंगे, जल्दी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जल्दी से नोट करेंगे बच्चों, क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन लिखेंगे और साइड पे बड़ा सा लिख देंगे आप लोग, क्या एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमारे एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, देखिएगा कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एंड टू मासेस रिस्पेक्टिवली बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर लॉ। अरे ये क्या बात कर दी इसने, ठीक है, ये तो सभी को पता है, क्या कह रही कि कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, कूलम्स लॉ जो हमने पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी तक हमने पढ़ा है, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 आर स्क्वायर सबने पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने न्यूटन्स का लॉ होता है ग्रेविटेशनल वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा था, ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था हमारा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये वाला न्यूटन्स का लॉ है, ठीक है, एक काम करता है हमारा टू पॉइंट चार्जेस के बीच में और ये वाला करता है टू मासेस के बीच में, बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर लॉ, हाउ व्हाट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, देखिए ये हमारा कूलम्स लॉ है इनके बीच में, इसमें एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है, एक पार्ट इसका इस टाइप का था कुछ ऐसा कुछ था और ऐसे ही इसमें भी होता है, यही क्या है हमारा जो दो मासेस, ये होता है हमारे दो मास के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये न्यूटन ने दिया था और ये हमारे कौन थे, कूलम्स लॉ, कूलम्स थे, कूलम ने क्या दिया था कि दो पॉइंट मासेस के पॉइंट चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इट मीन्स बोथ आर इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये सभी को पता है तो इसने ये बात कही क्यों है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। नाउ कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट देखिएगा, ए कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस, दीज फोर्सेस मीन्स कूलम्स फोर्स और न्यूटन फोर्स, इनको हमने क्या करनी, कंपैरिजन करनी है बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, दोनों का
रेशियो निकालना है किसके लिए, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, फॉर टू प्रोटॉन्स। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट फिर सेकंड पार्ट, एक बार ध्यान सुनिए कि ए पार्ट है, अभी इसका एक बी पार्ट है वो भी हम करेंगे, बट यहाँ पे बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, तो अभी इतना समझिए, पहले इसका पार्ट करना है फिर हम बी पार्ट देखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही सबको? तो देखिए हमें क्या करना है, हमने एक निकालना है न्यूटन का फोर्स, कूलम्स फोर्स निकालना है, इनके बीच में पहला पार्ट है हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। ठीक है, कूलम्ब फोर्स, फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में हम निकालेंगे क्या, न्यूटन का फोर्स, मींस हमने निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स। इनका मैग्नीट्यूड निकालने के बाद इनका रेशियो निकालेंगे, पता लग जाएगा कौन कितना टाइम्स है, कौन किसका कितना गुना है। ठीक है, देखिए ठीक हो गया, सॉल्यूशन करते हैं हम फॉर फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, ठीक है, क्यू वन हमारा है इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ई ले लेंगे, क्यू टू है हमारा ई, ठीक हो गया, ये प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन है, वी नो दैट ई इक्वल टू 1.6 × 10⁻¹⁹. ठीक है, हम केवल ई लिख रहे हैं। सपोज द डिस्टेंस बिटवीन टू बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज स्मॉल आर, लिख लेंगे आप लोग, लेट द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज ई आर। ठीक है, नाउ कूलम फोर्स, यहाँ पर आप ऐसा कुछ देखेंगे, इक्वल टू 1/4πε₀, कितना q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए यहीं पे शॉर्ट करिए, इतने छोटे बच्चे आप नहीं हैं, ई इंटू ई। ठीक है, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ओनली, ओके हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो सीधे सीधे माइनस ये साइन हटा देंगे, ई इंटू ई ई स्क्वायर, दिस इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नाउ इसकी बात करते हैं, अपने आप में ये क्या है बच्चों, एक मैग्नीट्यूड ही है। ठीक है, इसकी मॉडल्स की हमें जरूरत, पर हमने यहाँ पर क्या लगाया हुआ, एक वेक्टर लगाया हुआ, इसकी वैल्यू थी हमारी जी एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। भाई अभी एम वन एम टू कौन लाएगा, एक मास होगा हमारा इलेक्ट्रॉन का, एक मास होगा हमारा प्रोटॉन का। ठीक है, एक मास हमारा, ये दो पॉइंट चार्ज हमारे दो पॉइंट मास भी हैं, इनका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन का ही मास होता है, एक प्रोटॉन का ही मास होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा एम एम पी इंटू एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये बताएंगे अभी आपको, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हमने क्या करना है, इनका रेशियो निकालना है, जल्दी से रेशियो करेंगे, डिवाइड दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट अपॉन डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन टू, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू से क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए, एफ सी अपॉन एफ जी इक्वल टू 1/4πε₀ ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा कैपिटल जी एम पी इंटू एम ई अपॉन आर स्क्वायर। एंड नाउ ये वाला पार्ट इधर होता है, ये वाला पार्ट ऊपर जाता है, यहीं पर कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1/4πε₀ ई स्क्वायर। ठीक है, ई स्क्वायर ऊपर जाएगा हमारा कैपिटल जी एम पी इंटू एम ई, आर हमारा पार्ट हमारा सबसे ऊपर जाएगा, यहाँ पर भी हमारा आर स्क्वायर है, देखिए इसको करिएगा, ये पूरा एक माना जाता है, ये पूरा एक, इसमें से ये वाला वहाँ पे आर से आर हमारा कैंसिल हो चुका है, बचा हमारा 1/4πε₀ ई स्क्वायर। देखिए बच्चों ई की वैल्यू रख देते हैं जल्दी से, 1.6 × 10⁻¹⁹ इंटू 1.6 × 10⁻¹⁹ अपॉन कौन आएगा, मेरे पास आएगा जी, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻¹⁹। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, ठीक हो गया, हमारे पास एम पी इंटू एम ई, मैं यहाँ पे पहले लिख देते हैं, देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास 9.1 × 10⁻³¹ के जी। ठीक है, ये क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं, 1.6 × 10⁻²⁷ के जी मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ पर जल्दी से वैल्यू पुट करेंगे, 9.1 × 10⁻³ इसकी वैल्यू,
10^-31, और प्रोटॉन का मास होगा हमारा 1.6 इंटू 10^-27 के जी, 6-7 भी होता है लेकिन नहीं भी लिखेंगे चलेगा, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जो हमारा आंसर, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, देखिए यहीं पर मैं इसकी वैल्यू रख देती हूँ, 1/4 πε0 की वैल्यू है 10^9। इज इट क्लियर? जल्दी से करेंगे, ठीक हो गया। आंसर आएगा आपका 2.4 × 10^39। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, हाइट नहीं हो रहा है, यहाँ पर 2.4 यहाँ पर लिखेंगे आप, तो शो ही नहीं होगा आपको, लिखेंगे इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आपका आएगा FC/FG = 2.4 × 10^39। देखिए अब क्या करना है, FG को यहाँ पे डिवाइड में, इधर किस में आ गए, मल्टीप्लाई में चले जाएगा, और कितना हो जाएगा इतना, इट मीन्स द कूलम फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इस 2.4 × 10^39 टाइम्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन दिस पॉइंट चार्ज। ठीक है, मीन्स इनके जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो हमारा कौन सा चार्ज है, कूलम फोर्स है, वो ग्रेविटेशन फोर्स का इतना टाइम्स, इतना गुना है। आगे बात समझ में, जल्दी से छापिए इसको। अब हम बात करते हैं फॉर टू प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन की बात करेंगे, तो देखिए Q1 भी हमारा E है, Q2 भी हमारा E है, पॉजिटिव पॉजिटिव, FC निकालें तो सेम यही होगा, मैग्नीट्यूड भी, हाँ सॉरी, हाँ ठीक हो गया। देखिए कूलम फोर्स हमारा कुछ ऐसा होगा, ठीक है, उन्हीं के बीच में हमने दो प्रोटॉन के बीच का हमने क्या देखना है, मास, तो यहाँ पे MP × MP हो जाएगा। ठीक है, फिर वही डिवाइडिंग बाय, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन टू, वी हैव FC/FG, सब्सटीट्यूट कीजिए इसको, 1/4 πε0 × r² फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास कैपिटल जी, MP × MP/r² सबसे नीचे वाला, सबसे ऊपर ये वाला बीच में जाएगा, इट विल बिकम E² × r² / 4π0 upon, it will become r² × MP × MP. I think you are getting bored. Okay, so have some rest. Rest कीजिए थोड़ा सा, तब तक हम इसको solve करेंगे। 9 × 10^9। देखिएगा, E की value put करनी है आपको, 1.6 × 10^-19 into 1.6 × 10^-19. R² से R² है cancelled. Okay. MP × MP. 1.6 × 10^-19. नहीं, 27. या सही बोले आप लोग, देखिएगा जल्दी से सॉल्व करेंगे इसे, आपका रेस्ट हो गया हो तो आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्क्स आपको लाने हैं, आप सॉल्व कीजिए, हमारा तो भाई 12th भी हो गया, MSc भी होने वाली है। देखिए जो आंसर आएगा आपका वो है हमारा, सॉल्व करके आएगा 1.3 × 10^36। भाई इसको मैच जरूर करेंगे, केवल छापना नहीं है, ठीक है, ठीक है, लास्ट में वही काम करना है, यहाँ से यहाँ भेज देंगे, हमारा आंसर तैयार है। ठीक है, जल्दी से, बस हमारा ए पार्ट हो चुका है, हम बी पार्ट करते हैं, जल्दी कीजिए इसको बच्चों, जल्दी नोट कीजिए। अरे भैया इतना टाइम लगाएंगे आप कैलकुलेशन में, चलो छाप लीजिए फिर।
जल्दी कीजिए बच्चों, अपने कमांड बनाइए न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको केवल थ्योरी से काम नहीं चलेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल्स इतने कम भी नहीं आते हैं, ज़्यादा भी नहीं आते हैं, लेकिन इतने कम भी नहीं आते हैं। अगर एक दो न्यूमेरिकल भी आप छोड़ रहे हो तो बच्चों आप 100 में से कुछ मार्क्स तो कम कर रहे हैं अपने, ठीक है। जस्ट थिंक अबाउट 100%, 100% के बारे में सोचेंगे तब आपके 98 या 90% आएंगे, 95% आएंगे, ठीक है। सोचिए कि हमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना है, और क्यों छोड़ना है जब इतने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं तो, ठीक है। बस आपको क्या करना है, देखिए समझ में आपको आ गया, ठीक है। न्यूमेरिकल्स को अच्छे से पढ़िए, जितना लेंथी हो उससे मतलब नहीं, ठीक है। क्वेश्चन लेंथी है छोड़िए, हम आंसर शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। मार्क्स उतना ही मिलना है, समझ रहे हैं मेरी बात को। क्या करना है आपने, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, अगर आपको समझ में आ रहा है ठीक है सॉल्व करो। कैलकुलेशन लंबी है अब तो भाई उसे सुधारो, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। डेली प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स की, न्यूमेरिकल्स कीजिए, खूब सारे न्यूमेरिकल कीजिए, ठीक है। डिवाइड तो हैं जो हमने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, क्लास 5th में पढ़ लिए थे भाई, ठीक है। कैलकुलेट कीजिए, उसके बाद पहले उसे खुद निकालिए, फिर उसके बाद कैलकुलेटर से आप चेक कीजिए, अपनी जो बुक है टेक्स्ट बुक है उसके सारे न्यूमेरिकल कीजिए, अपने आप देखना प्रैक्टिस बनेगी, एक हफ्ते के अंदर बनेगी, कीजिए जल्दी जल्दी। इसको देखिए, एस्टिमेट द एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 angstrom अपार्ट। कहता है कि इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन देखना है, सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन देखना है, ऐसे ही फिर प्रोटॉन का एक्सीलरेशन देखना है, ड्यू टू किसकी वजह से, इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन। देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, दो पॉइंट चार्ज है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, दोनों पॉइंट चार्ज है, कुछ डिस्टेंस है इनके बीच की, यहाँ पर भी हमको गिवन है कितनी, 1 angstrom, तो भाई SI यूनिट नहीं है, तो क्या करेंगे, विनो दैट 1 angstrom इक्वल टू 10^-10 meter, भाई ये जानते हैं, ठीक है। अगर बुक पढ़ते होंगे तो जानते होंगे, क्लास 11th अच्छे से पढ़ी है तब भी जानते होंगे, ठीक है। देखिएगा इनके बीच डिस्टेंस इतनी है तो कुछ फोर्स लगेगा, अपोजिट चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, अब हमने पढ़ा था कहीं पर भी फोर्स आता है तो भाई अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F=ma होता है ना, ये हमारा मास है भाई, इस पर बाहर से कोई फोर्स लग रहा है तो भाई इसका जो फोर्स हम ऐसे दे सकते हैं, एक्सीलरेशन कितना हुआ है तो इसमें एक्सीलरेट, ये एक्सीलरेट होगा ए से, तो A=F/m, ठीक है, या फिर ठीक हो गया। अब देखिएगा नाउ सॉल्व करते हैं, देखिए F=, जो कूलम फोर्स हमने निकालता है, देखिएगा कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स मीन्स कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स आइदर और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F=1/4πε₀ Q1 Q2, तो E into E, because Q1=Q2=E अपॉन डिस्टेंस हमारी R², R की जगह पर हम ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 9×10^9। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, देखते हैं उससे पहले कौन निकालता है, और उसमें आंसर जल्दी जल्दी कमेंट भी कर देंगे। चार्ज हमारा 1.6×10^-19 कूलम, 1.6×10^-19 कूलम अपॉन 10^-10×10^-10। वाओ इट्स सो इजी, ये तो बहुत इजी है, आपको डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, 16 का स्क्वायर, जल्दी से करिए 10^9, पहले सबसे पहले आप इनको सॉल्व करेंगे, -19 -19, ये 10 10, इनको प्लस में ऊपर भेजिए, +10, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 9×2 1.6×1.6 आंसर आएगा। यहाँ पर थोड़ी देर पहले हमने निकाला भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच का फोर्स कितना है, 2.3×10^-8 10^-8 या न्यूटन, इतना फोर्स है किसके बीच में, ठीक हो गया। लेकिन हमने क्या निकालना है, हमने फोर्स तो निकालना ही नहीं है, ठीक है, हमने निकालना है
एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इंडिविजुअल निकालना है इन दोनों का। देखिएगा ई और पी के बीच में जो हमारा फोर्स लग रहा है वो है इतना, एफ सी फोर्स लग रहा है, लंब फोर्स। ठीक है, मीन्स ई प्रोटॉन को इस फोर्स से अपनी ओर खींच रहे हैं, ऐसे ही पी इलेक्ट्रॉन को एफ फोर्स से अपनी ओर खींच रहे हैं। मीन्स जब ये इस पर फोर्स कर रहा है एफ सी, तो ये कुछ एक्सीलरेट होगा। तो देखो इसको भूल जाओ, बाहर से एफ सी इस पर फोर्स लग रहा है, तो इसकी वजह से मैंने भी जैसे बताया था एम पर फोर्स लगे तो उसका एक्सीलरेशन कितना होगा ई ए ई। ठीक है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है सबको पता होगा, फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट की वजह से वेलोसिटी चेंज होगी, एंड चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। ओके, बाकी ड्राइव करेंगे इसको भी क्लास 11th में, हम 11th का लेक्चर पढ़ेंगे। देखिएगा, सिंस फॉर इलेक्ट्रॉन लिख देंगे इसमें भी, फॉर इलेक्ट्रॉन मास कितना है 9.1 × 10⁻³¹ kg। ओके, सो एफ सी इक्वल टू एम ई, एफ इक्वल टू एम ए, तो ए इक्वल टू ए ई कर देंगे भाई, ए ई इक्वल टू एफ सी अपॉन एम ई। वैल्यू रखिए जल्दी जल्दी, 9.1 × 10⁻³¹। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करें, देखते हैं कौन सॉल्व करता है। ऐसे ही प्रोटॉन में करना है आपने, जल्दी से कीजिए। एपी सिमिलरली आप एपी निकालेंगे, एफसी सेम रहेगा, मास हमारा प्रोटॉन का आ जाएगा 2.3 × 10⁻¹⁸, 1.6 × 10⁻²⁷ kg। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा हमारा, और आंसर आएगा हमारा 1.4 × 10⁻¹⁹ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 2.5 × 10⁻²⁷ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज आंसर। जल्दी से कीजिए, करिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, जल्दी से रीड कर लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लेंगे आप लोग। कंसीडर थ्री चार्जेस, एक बात नोट कीजिएगा, ये हमारा कैसा क्वेश्चन, कौन सा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़िए। कंसीडर थ्री चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू क्यू एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू विथ सेम साइन एस क्यू प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है आपका, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा, कंसीडर थ्री चार्जेस Q1, Q2, Q3, ये तीन चार्ज हमारे पास सॉल्यूशन में आते हैं, Q1, Q2, Q3, ठीक है, ईच इक्वल टू क्यू मीन्स पॉजिटिव है साइन, जो हमारा साइन है वो पॉजिटिव है, एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल। अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, बड़ा डायग्राम बनाऊंगी क्यों, क्योंकि इसको समझने के लिए थोड़ी क्लियरिटी बहुत जरूरी है। देखिए ना, डायग्राम की क्लियरिटी बहुत जरूरी है। अब देखिए Q1, Q2 एंड Q3, तीन वर्टिसेस में, एक पहला वर्टिस हमने मान लिया A, दूसरा है हमारा B, तीसरा हो गया हमारा C, और साइड इक्विलेटरल साइड की क्या होती है, ईच साइड इक्वल होती है, तो पहली साइड हमारी L, ये भी L, तो ये भी L। देखिएगा, व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q, अब एक Q कहाँ से आ गया, ठीक है, इस Q की बात कर रहे हैं, कैपिटल Q विद सेम साइन एज Q, साइन सेम है, मीन्स अगर इसका पॉजिटिव है तो कैपिटल क्यू भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक क्यू है प्लेस एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, हमारा कौन है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंट्रोइड पे। सेंट्रोइड क्या होता है बच्चों, देखिएगा मीडियन पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले, इससे ये क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ टर्म्स पढ़ने होंगे जो हमने क्लास 9th और 10th में पढ़े हुए हैं। ठीक है, हमारे पास कोई भी हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है या कोई भी ट्रायंगल होता है, ठीक है, उस ट्रायंगल के जो हमारे कौन होते हैं, मीडियंस होते हैं। मीडियंस क्या होते हैं, किसी भी एक वर्टिक्स से निकलेगा और जो उसके अपोजिट साइड है, मींस इस वर्टिक्स का जो अपोजिट साइड ये वाला है, इसको क्या करता है, हमारा बाइसेक्ट कर देता है, मींस दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा।
ये, ठीक है, ये इक्वल टू ये, कोई भी ट्रायंगल हो, वट एवर, आइदर इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और हमारा जो हमारे सिंपल ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। ये वाली मीडियन अगर हम इस वर्टेक्स को लेते हैं तो यहाँ से एक मीडियन निकलेगा और ये मीडियन क्या करेगा, इसके अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में, ये फाइव तो ये भी फाइव, ऐसे ही ये, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में कर देते हैं मीडियन। अब देखिए कोई भी ट्रायंगल की जो तीन मीडियंस होती हैं, वो तीन मीडियंस जिस पॉइंट पर मैं इंटरसेक्ट कर दी, इंटरसेक्ट करती है, कैपिटल जी से डिनोट करता है उसे, वही पॉइंट हमारा क्या होता है बच्चों, सेंट्रोइड होता है किसी भी ट्रायंगल का, ठीक है। ये तो हो गया किसी भी ट्रायंगल के लिए, आइदर ट्रायंगल। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक हमारी छोटी सी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, अगर हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मींस ये वाला ऑल साइड्स आर इक्वल, देन जो हमारी ईच मीडियन, जो हमारी जितनी भी हमारी मीडियंस होंगी वो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड तो करेंगी ही करेंगी, वो जो उसकी यूजुअल प्रॉपर्टी है, साथ ही साथ ये क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, किस पर, अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर होंगी, मीन्स 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर, ठीक है। मैंने बता दिया आपको दो इक्वल पार्ट्स मीडियन डिवाइड्स, मीडियन डिवाइड्स अपोजिट साइड इंटू टू इक्वल पार्ट्स, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। दूसरी, दूसरा हो गया हमारा किसका, किसी भी फॉरेन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉरेन इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज कहते हैं जिसे हम इंग्लिश में, हिंदी में सॉरी, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है किस पर, अपोजिट, अपोजिट साइड पर, जिस वर्टेक्स से निकल रही है उसके अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर होती है। तो तीसरी प्रॉपर्टी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच वी विल यूज हेयर, यहाँ पर हम यूज करेंगे उसको, कहता है कि जो हमारी तीनों, देखिए बच्चों इसका वर्टेक्स होगा, इस वर्टेक्स से हमारा मीडियन निकला, अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या करेगा, 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। इसका जो हमारा कौन होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये इसको, इसका मीडियन होगा, ठीक। ऐसे ही हमारी इस, ये सी वर्टेक्स से हमारा एक मीडियन निकलेगी, ठीक हो गया, समझ रहे हैं आप लोग। ये भी क्या करेगा, इसे 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेगा, एंड फ्रॉम पॉइंट बी देखिएगा हमें क्या मिल गया, यहाँ पे सेंट्रोइड मिल गया, मींस कौन है हमारे, ये मीडियस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, दैट पॉइंट इज ओन एज सेंट्रोइड ऑफ दैट ट्रायंगल, ठीक हो गया। अब होगा क्या, इस पॉइंट, इस सेंट्रोइड पर ही हमने क्या रखना है, चार्ज क्यू, चार्ज क्यू रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज क्यू, इस क्यू पर, देखिए इस क्यू पर ये क्यू वन भी फोर्स लगा रहा होगा, क्यू वन क्यू टू अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ये क्यू, ये वाला चार्ज क्यू टू भी फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ये क्यू थ्री भी फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। अब इन तीनों चार्जेस के, इन तीनों फोर्स की वजह से हमें ये निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, किस पर, चार्ज क्यू पर, और उसकी डायरेक्शन भी बतानी है, डायरेक्शन मीन्स आपको एंगल बताना है, कितने एंगल पर फोर्स लगा, जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो भाई डायरेक्शन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एफ इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू वन क्यू टू से काम नहीं चलता, डायरेक्शन हमारे पास क्या चाहिए, एक डिस्टेंस होनी बहुत जरूरी है, इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है ये आप कहाँ से पता लगाएंगे, आर वन, ये आर टू, ये आर थ्री, कहाँ से लाएंगे, देखिए कहाँ से लाएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी जो मैंने बोली थी, कोई भी ट्रायंगल, जितने भी हमारे ट्रायंगल्स होते हैं उनकी जो मीडियंस होती है वो इंटरसेक्ट करती है कहाँ पर, सेंट्रोइड पर, विद द रेशियो टू रेशियो वन, टू रेशियो वन मीन्स इंटरसेक्ट करा, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं एक पहली मीडियन पकड़ते हैं बाकी सबको क्लियर करूँ, ये पहली मीडियन है, सेंट्रोइड पर हमारा क्या है, इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ऊपर वाला हिस्सा टू और वन, टू रेशियो वन, मेरी बात समझ में आ रही है। अगर हम इसको टू एक्स कहते हैं और ये एक्स हो, टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू, ये पूरी हमारी फाइव होगी, तो टू एक्स प्लस, टू एक्स प्लस एक्स इक्वल टू थ्री, थ्री एक्स इक्वल टू फाइव, आ रही है बात समझ में, टू रेशियो वन, यहाँ से ये वाला हिस्सा, जहाँ से वर्टेक्स है, वर्टेक्स वाला हिस्सा टू पर होगा, नीचे वाला हिस्सा वन, टू रेशियो वन, टू रेशियो वन, इट मीन्स जो डिस्टेंस होंगी ये टू टू कह सकते हैं आप, या टू एक्स, सेम डिस्टेंस होंगी, मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, नहीं आई देखिए,
टू रेशियो वन पर हमारी क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी ऊपर वाला हिस्सा टू, ठीक है, और जो ये वाला हिस्सा है ये वन, ऐसे ये वाला हिस्सा टू, ये वाला होगा वन, ठीक है। अब ये वन वाला पार्ट हमारा काम का तो नहीं है, खैर ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, चलिए डिस्टेंस निकाल लें पहले। ये डिस्टेंस अभी आएगी कैसे, देखिएगा, ईच साइड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू एल मीटर, एल गिवन है, ठीक है। अब देखिएगा हमने डिस्टेंस निकालनी है, तो हमें ये लाने के लिए बच्चों पहले ए डी, इस पॉइंट को डी मान लेते हैं, ए डी पता होना बहुत ज़रूरी है। और ए डी कहाँ से आएगा, सिंस लिख देंगे आप, सिंस ए डी इज द, ए डी इज द, या मैथमेटिकल पोर्शन आप रफ में कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी मैं आपको कराऊंगी ताकि आपको समझ में आए। डी ए डी इज द मीडियन, मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड परपेंडिकुलर टू टू बी सी, बी सी पर परपेंडिकुलर है, मीडियन भी है, तो क्या करेगा, बाइसेक्ट होगा। इट मीन्स बी डी इक्वल टू सी डी, बी डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी एंड बी सी इज एल। इट मीन्स ये हमारा कितना आ गया, बी डी कितना आ गया बच्चों, एल बाय टू। जल्दी से रफ में लगेंगे, केवल इतना हिस्सा हमारा है एल बाय टू। नाउ दिस इज एल, ठीक है, ये जो मेटल वाला पोर्शन थोड़ा सा अलग उसमें करना, फिर नीचे से हम ना तो बहुत ज़्यादा हॉच पॉच रहेगी। एल बाई टू ये आ गया, ये एल है हमारा, हमें ए डिफाइन करना है, ठीक है, इन राइट ट्रायंगल ए डी बी, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो राइट ट्रायंगल में चलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेस स्क्वायर, सॉरी। नाउ वी हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर, हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज है हमारा एल स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर दिस, बेस है हमारे पास एल स्क्वायर अपॉन टू स्क्वायर इज फोर, यहाँ पर भेजेंगे तो परपेंडिकुलर आ जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर माइनस, ये आ गया हमारा बच्चों फोर, फोर प्लस फोर माइनस वन थ्री एल स्क्वायर अपॉन फोर, ठीक है, हमें परपेंडिकुलर फाइन करना है, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, ठीक है, ये हो जाएगा एल एंड इट विल बिकम टू। ये बात सबको समझ में आई, जल्दी से नोट करेंगे, ठीक है। नाउ हमें देखते हैं ये ए जी जो हमारा सेंट्रोइड है जी, इसे अलग से बच्चों इसका एक डायग्राम अलग बनाना, कि जो चार्ज लगा के करेंगे वो नीचे अलग से करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारे बहुत सारी खिचड़ी पकने वाली है अभी थोड़ी देर में, अकेले का वही हमारा बहुत अच्छा खिचड़ी बनेगा, यहाँ पर इतनी खिचड़ी को हम अलग कर दीजिए, बिल्कुल सेपरेट करो केवल समझने के लिए, ये थोड़ा ज्योमेट्री वाला पोर्शन जो, ठीक है, ठीक हो गया, ये हमारा निकल गया है, हमें बात करनी है भाई इसकी, फिर लिखेंगे सिंस मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट एट सेंट्रोइड विद रेशियो टू इज टू वन, आगे बस हमने टू रेशियो वन पर डिवाइड करते हैं, देन लेट देखिए मतलब ए जी हमारा हो जाएगा टू एक्स, ए जी इक्वल टू टू एक्स कह देता है, एंड जी डी क्या होगा फिर टू एक्स, एक को हमने एक्स मान लेंगे, ऐसे ही करते थे कुछ क्लास टेंथ सिक्स एट्थ सेवन्थ हमने कुछ ऐसे ही पढ़ा था, कुछ एल्जेब्रिकल वाला चैप्टर में, एल्जेब्रा वाला चैप्टर था जो हमारा, जी डी इक्वल टू एक्स, ठीक है, सिंस ए जी प्लस जी डी इक्वल टू क्या होना है हमारा ए डी, है ना, ठीक है, ए जी की वैल्यू हमको पता है टू एक्स, दिस इज एक्स इक्वल टू ए जी कितना है, पूरा ए डी कितना है हमारा, परपेंडिकुलर इज ए डी, ए डी हमारा परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तो ए डी की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर रूट थ्री अपॉन टू एल, अरे भाई ये तो बच्चों जैसा है तो हम एकदम अपने आप ही कर लेंगे, थ्री एक्स थ्री अपॉन टू अपॉन एल, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे आप, टू एक्स इक्वल टू रूट थ्री अपॉन थ्री इंटू टू, सिक्स मत कीजिएगा अभी थोड़ी देर में, देखिए मैं क्या कराती हूँ, हमें ज़रूरत किसकी है, हमें ज़रूरत है यहाँ पर ए जी की,
मीन्स इस वाले टू की, देखिए ये भी टू रेशियो वन, अगर इस वाले में आता है टू रेशियो वन, हमें इसकी ज़रूरत है ना कि इसकी, तो टू टू टू, हमें टू एक्स चाहिए हमको, ये वाला पार्ट टू एक्स, तो फाइंड कीजिए जल्दी से टू एक्स। टू एक्स इक्वल टू हो जाएगा रूट थ्री अपॉन थ्री इंटू टू एल इंटू टू, टू से टू कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा बच्चों, ये जल्दी से नोट कीजिए, पहले जल्दी नोट कीजिए, हमको चाहिए टू एक्स। टू एक्स मीन्स, टू एक्स मीन्स ए जी हमारे पास आ चुका है, ए जी इक्वल टू ऐसे ही हमारा बी जी इक्वल टू सी जी इक्वल टू हमारा टू एक्स, टू एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई रूट थ्री अपॉन थ्री एल। देखिएगा एक चीज़ और, ये रूट थ्री और थ्री क्या बचेगा यहाँ पर, रूट थ्री, ये बात सबको पता है, ठीक है, ऊपर नीचे वो कर देंगे हम, रूट थ्री से मल्टीप्लाई तो हमारे पास आएगा एल अपॉन रूट थ्री, ठीक है, वैसे तो हम डायरेक्ट रख सकते थे इतना, हमें यही चाहिए था, इसके लिए हमने ये सब किया। अब हमारा क्वेश्चन अब हमारा स्टार्ट होगा, मेरी बात समझ में आ रही है, इस क्वेश्चन हमारा स्टार्ट अब होगा, सॉल्यूशन अब करते हैं, जल्दी से कीजिए, ये है इम्पोर्टेंट, जल्दी नोट करें, ठीक। तो भाई हमको चाहिए क्या था, हमें चाहिए था ए जी इक्वल टू बी जी इक्वल टू सी जी इक्वल टू टू एक्स मीन्स एल अपॉन रूट थ्री, ठीक है, नोट कर लिया। क्वेश्चन स्टार्ट होता है अब, खेल अब शुरू होता है मेरे बच्चे, देखिएगा क्या करना है आप, फिर से अब पढ़िए क्वेश्चन फिर से। एक चार्ज है भाई यहाँ पर, अरे भाई बोरियत आ रही है, जल्दी से जाएंगे खाना पानी पी के आए, पानी पी के आएंगे। ये हमारा ए, ए पर रखा है भाई क्यू वन, पॉइंट बी यहाँ पर रखा है क्यू टू, यहाँ पर है सी क्यू थ्री, ठीक है, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्यू क्यू क्यू, इनके मैग्नीट्यूड तो भाई इसने गिवन किया है भाई क्यू क्यू क्यू, ओहो देखिए सेंटरॉइड ये ए जी, अरे ए जी ये हो गया हमारा बी जी सी जी, देखिएगा इस जी पर हमारे क्या रखा है, चार्ज रखा है बच्चों क्यू, ठीक है, अब इस क्यू पर हमें क्या निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स, इसकी वजह से, इसकी इन सबकी वजह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि एफ इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री, भाई ये एफ वन एफ टू एफ थ्री ऐसे इजीली नहीं निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, इनको कूलम्स लॉ लगाना पड़ेगा अलग अलग, ठीक है, डिस्टेंस हमको गिवन है, इस डिस्टेंस को हम आर मान लेते हैं लेट, ठीक है, ये आर ये आर ये आर जो हम यूज करेंगे अभी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, साइन और भी सेम है, क्या होगा इसका भी सेम, तो क्या होगा मैग्नीट्यूड तीनों का सेम, हम ऐसा कह सकते हैं एफ ए, ए की वजह से क्यू पर वर्क करने वाला फोर्स जो है एफ ए इक्वल टू क्या होगा एफ बी की वजह से एफ सी की वजह से, तीनों क्या होंगे सेम, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू, तो क्यू वन तो है भाई हमारा क्यू, मैग्नीट्यूड इसका भी इसका भी उसका भी, ठीक है, कैपिटल क्यू, क्यू टू कितना है, अरे भाई वो तो वो भी क्यू है हमारा, ठीक है, कैपिटल क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर तो भाई हम इट इज़ ऑल्सो सेम है ना, जल्दी से वैल्यू रखेंगे, इट इज़ नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन, क्यू कितना है, क्यू को ऐसे ही रख देना, कैपिटल क्यू भी वही है ना, जल्दी से करें, एक मिनट बात करते हैं, पहले एफ ए सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ अलग नहीं है यहाँ पर, एफ ए की बात करते हैं, इतना भाई यहाँ पर डायरेक्शन का बहुत ज़रूरी है बच्चों, कि प्लस करेंगे या माइनस करेंगे वो हमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पता लगेगा। अरे भैया क्या हुआ, हाँ ये हो गया हमारा नाइन इंटू टेन टू द पावर नाइन क्यू क्यू, अरे भाई क्यू क्यू ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपॉन सॉरी एल अपॉन रूट थ्री, एल अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर है, ठीक है, डायरेक्शन बच्चों ये अभी वैल्यू बाद में रखता है, पहले आप एक चीज़ नोट कीजिए, चलो पहले एफ ए भी निकाल देते हैं, ठीक हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास क्यू इंटू क्यू, देखिएगा अपॉन में एल स्क्वायर अपॉन थ्री, ये थ्री हमारा ऊपर जाएगा रूट रूट से स्क्वायर हटेगा,
क्या बनेगा? थ्री। ठीक है, जल्दी से करेंगे, यहाँ से कर लीजिए। सी क्यू क्यू, डायरेक्शन देखिए बच्चों, एफ ए, ए की वजह से इसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो होगा, अब जी को समझ लिया आप लोगों ने, यहाँ पर हम क्यू लिख दे रहे क्योंकि कितनी पक जाएगी। देखिए क्यू पॉजिटिव है, कैपिटल क्यू भी हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, तो यहाँ पे इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा बच्चों वो कहाँ की ओर होगा? ये एफ ए हमारा इस डायरेक्शन में होगा, इसकी डायरेक्शन, ये इसको रिपेल करेगा भी इधर को, क्योंकि अभी इसकी वजह से इस पर देख रहे हैं तो फोर्स लगेगा नीचे को। ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्शन लिखेंगे इसकी, क्या अलोंग, किसके अलोंग है? ए टू क्यू, ए से क्यू आ रहा है तो अलोंग ए क्यू, अगर आप यहाँ से यहाँ को फोर्स करेंगे तो क्यू ए, समझ रहे हैं? अलोंग ए क्यू, ए से क्यू की ओर, ए क्यू। ठीक है, सिमिलरली देखिए मैग्नीट्यूड तो बच्चों वही आने वाला है क्योंकि डिस्टेंस सेम है और मैग्नीट्यूड सेम है चार्ज का। बी भी हमारा ये आ रहा है 9 × 10⁻⁹, 3qq/L² अलोंग, जल्दी से बोलेंगे, अरे भाई जल्दी आंसर बताइए अपना। बी की वजह से कैपिटल क्यू पर जो फोर्स लगेगा, देखिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो भाई ये हम तो इसको भगा देंगे यहाँ से कहाँ। ठीक है, थोड़ा सा दूर फेंक दिया लो, एफ बी। ठीक है, यहाँ पर खिचड़ी ना पके इस कारण, लीजिए लो खुश एफ ए। ठीक है, बात करते हैं फिर से किसके अलॉन्ग, बी क्यू, बी क्यू के अलॉन्ग। नाउ एफ सी की बात करें तो 9 × 10⁹, 3qq/L² अलॉन्ग, किसके अलॉन्ग? सी से क्यू क्यू, लो लो भाई एफ सी तो हमारा ये हो गया अलॉन्ग सी क्यू। ठीक है, इज इट क्लियर? जल्दी देखेंगे, हमें रिजल्टेंट फोर्स देखना है भाई, रिजल्टेंट फोर्स सीधा ऐड नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। बहुत लंबी वीडियो बनने वाली है भी, देखिएगा कुछ नहीं, मेरे का हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, ठीक मिटा दें इसको, जल्दी नोट कर लिया आपने? ठीक, अब बात करते हैं बच्चों ये ऐड कैसे होंगे। क्लास 11th में जाओ, जल्दी जाओ, बुक निकालिए उसकी, निकाल दी बुक, अरे भाई हम क्यों निकाले बुक, हमारे में तो मैडम बताएंगी ना। ठीक है, ऐसा किया था कुछ, अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर ए बी, ठीक है, एक वेक्टर की डायरेक्शन ये है, दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन ये है, दो वेक्टर है हमारे पास, इन वेक्टर की डायरेक्शन इस तरह से है और इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, तो जो इनका रिजल्टेंट होता है, जो इनका रिजल्टेंट होता है बच्चों वो कुछ स्टेप से होता है, कुछ स्टेप से होता है। ठीक है, बात वही जाती है, वो जो ट्रायंगल रूल पैरेललोग्राम रूल लगाते थे, ठीक है, जो इनका, ठीक है, ये रिजल्टेंट है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकलता है बच्चों, मैग्नीट्यूड की बात करें तो दो इस वैक्टर का, देखिएगा ये रिजल्टेंट है ए और पी। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक, रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा, हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत है। ठीक है, वो कैसे निकलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, भाई ये कॉश ये सबने पढ़ा होगा। ठीक है, सबने नहीं तो भाई मेरे कोचिंग के जो बच्चे हैं, मेरे कोचिंग के जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने तो जरूरी पढ़ा है, मैंने उन्हें पढ़ाया है ये क्वेश्चन, नहीं याद है वो बात गलत है, आपको याद करनी है। ठीक है, ये होता है कोई दो वेक्टर्स जिनका रिजल्टेंट इतना है और एंगल अगर दो वेक्टर्स के बीच में इतना है तो रिजल्टेंट कैसा आता है, इस फॉर्मूले से आता है, इसको आप दिमाग में चिपका लीजिए कहीं पर, ठीक है, या कहीं पर भी चिपकाइए, दिमाग में जरूर चिपकाइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम ऐसे ही कुछ करेंगे, तो दो वेक्टर्स की बात, बट यहाँ पर तो तीन वेक्टर्स हैं भाई, एक वेक्टर ये एक है एक ये है, कैसे होगा काम, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले दो वेक्टर्स का एक रिजल्टेंट, फिर जो तीसरा है उसका और रिजल्टेंट का, समझ गए? देखिएगा हमने क्या करना है, ये वेक्टर पकड़ो, ठीक है, एक इस वेक्टर को पकड़ो, ये वाला वेक्टर जो है हमारा, और एक इस वेक्टर को पकड़ो,
इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, पहले इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसका और जो ये तीसरा है इसके साथ वो कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यहाँ पे जरूरी नहीं आप इसके बीच में करें, आप ए बी को कर लीजिए पहले, फिर ए बी का जो रिजल्टेंट आएगा ए बी वो हमारा सी के साथ कर लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा बच्चों, पहला है हमारे पास ये, पहला वेक्टर है हमारा वेक्टर एफ बी, दूसरा वेक्टर है हमारे पास ए। तो इन दोनों का रिजल्टेंट बच्चों बीचों बीच कुछ ऐसा पड़ेगा। क्यों पड़ेगा मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर बैठाइए, कमरे में एक तरफ बैठी है कोई एक लड़की है हमारी, चलो मैं किसी स्टूडेंट का नाम ले देती हूँ। यहाँ पर है हमारी लवली, ठीक है भाई, लवली बहुत खुश हो रही है यहाँ पर। दूसरी है हमारे पास एक दीपांशा, दीज टू आर स्टूडेंट्स, ठीक है। घर में क्या करना है, अपनी एक छोटी बहन को पकड़ो या किसी छोटे भाई को पकड़ो, लीजिए यहाँ पर हमने बैठा दी योगिता, ठीक है। छत में पंखे पर बैठा दिया भाई, पंखे पर बैठाया हमने योगिता को, कमरे के दो साइड, मैं यहाँ पर हूँ, लवली यहाँ पर है, दीपांशा वहां पर है, ठीक है। ऊपर बैठी पंखे पर योगिता, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, लवली दीपांशा योगिता। अब क्या करना है, ऊपर जो हमारी योगिता बैठी है भाई पंखे में झूला झूलते हुए, भाई पंखा ऑन नहीं करना ना तो पूरा ही घूम जाएगी योगिता, ठीक है। अब क्या करना है, रस्सी पकड़नी है, ठीक है, एक रस्सी पकड़ा दी हमने किसको, योगिता को। ये हमारे पास एक रोप है, ये इसका कोई मिडिल पॉइंट हमने क्या कर दिया यहाँ पर, इसको पकड़ा, और एक पार्ट कहा मैंने उससे लवली ने होल्ड किया है, दूसरा हमारा दीपांशा ने होल्ड किया है, ठीक है, और बीच का हिस्सा पकड़ के बैठी हमारी कौन, योगिता, ठीक है। अब क्या किया, डी और एफ एल, तुम्हें पता है एफ बी और एफ ए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मीन जितना फोर्स एफ बी लगा रहा है उधर को उतना ही फोर्स एफ ए लगा रहा है, ठीक है। यहाँ से दीपांशा ने खींचा उतनी ही फोर्स से लवली ने खींचा, तो भाई ये रस्सी कहाँ पे जाएगी, और हमने योगिता को बता के बिठाया है कि भाई जैसे ही दोनों फोर्स लगाएंगे 1 2 3 में, तो वैसे ही इसने रस्सी छोड़ देनी, ना तो क्या होगा योगिता भी नीचे गिर जाएगी भाई, फील हो रहा है, ठीक है। फिजिक्स को बच्चों फील कीजिए, विदाउट फीलिंग यू कांट अंडरस्टैंड द फिजिक्स, ओके। अब क्या किया, दीपांशा ने 1 2 3 करते ही लवली और दीपांशा ने रस्सी खींची, यहाँ से हमारा क्या गिरा, रोप, बिल्कुल कहाँ जाएगी बच्चों, इमेजिन कीजिए नीचे आएगी ऊपर जाएगी इधर जाएगी इधर जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, बीचों बीच बिल्कुल यहाँ पर आएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को, मैंने क्यों समझाई ये बात, क्योंकि इसको आप फील कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बच्चों एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो बीचों बीच हमारा रिजल्टेंट कहाँ जाएगा इसका, इनका रिजल्टेंट होगा बच्चों कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पर आएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। नाम दे देते हैं उसको कुछ, रिजल्टेंट जो है इसका एफ ए बी, वेक्टर एफ ए बी। तो अब पहले ये पता लगाना जरूरी है इनके बीच का एंगल कितना है भाई, ये एंगल कितना है ना, ये एंगल कितना है, जल्दी बताइए एंगल कितना होगा, ये वाला प्लस ये वाला और ये वाला, है ना, कितना होगा एंगल, 120। जल्दी से दिमाग लगाइए कहाँ से आया 120, जल्दी फास्ट बताइए, बताइए भाई दिमाग लगाइए, बहुत इजी, देखिएगा ये समझ में आया कंसेप्ट, नाउ करते समय आप बहुत जल्दी जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को, डोंट वरी। देखिएगा एक ये है, एक ये है, एक ये है, तीन हिस्सों में एक दो तीन, ये पूरा एंगल हमारा 360 का है। सपोज एक पार्ट जो है इसका एक्स वाला है, क्योंकि तीनों इक्वल पार्ट है, तो हम ऐसे लेंगे 3x = 360, देयरफॉर x = 3 1 3 3 2 6 2 120। इज इट क्लियर, जल्दी से देखिए हमारा 120 एंगल आ गया, ठीक, इस एंगल इज ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। तो अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जल्दी से लिखेंगे, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 120 डिग्री, ठीक है। हमने रिजल्टेंट निकालना है, आर इक्वल टू क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देखिए आर की जगह हमारे पास होगा वेक्टर एफ ए बी, वेक्टर मतलब लगाना भाई मैग्नीट्यूड निकालना है, ए होगा हमारा एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 120 डिग्री, ठीक है। मैं आपको बता दूं पहले क्या अलोंग, किसके अलोंग है, देखेंगे भाई अलोंग
डायरेक्शन क्या है इसकी, अलॉन्ग जी टू सी, अलॉन्ग जी सी, जी सी क्या अलॉन्ग है भाई एफ ए बी। नाउ 120 की कॉस 120 डिग्री कितना होता है भाई, क्वाड्रेंट वाला चैप्टर जिसने पढ़ा होगा, मैथ्स वाले बच्चे होते हैं, बायो के वाले बच्चों के लिए मैं बता दूं पहले आपको, इसकी वैल्यू वही होती है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कुछ, कॉस 180 माइनस 60 समथिंग, ठीक है, कॉस 180 माइनस 60 और 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा होता है तो उसकी वैल्यू हमारे पास वही होती है भाई जो हमारी किसकी होती है, हमारे कॉस 60 की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये वैल्यू होगी हमारी सीधे सीधे 60 की वैल्यू, ठीक है, ये हो जाएगा देखिए 180 माइनस 60, पहले आप इसे लिख लेंगे, ठीक, और यहाँ पर हम कहेंगे देखो 60 माइनस करेंगे तब जाके हमारे पास 180 आएगा, तो ये कॉस 60, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है सबको पता है 1/2, है ना, ये तो पता है भैया आप लोग, कॉस 60 ये 10th में सबकी मैथ्स होती है, जल्दी से करें और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे फिर आप जल्दी से, इसमें पुट जाएगी यहाँ पर, ओहो जल्दी से 1/2 रखेंगे यहाँ पर कॉस की जगह पर, इसको भी मिटा देते हैं। देखिए एफ ए की जगह पर क्या रखना है, एफ ए 9 × 10⁻⁹ ओहो 3qq/L² प्लस 9 × 10⁻⁹ ओहो शिट, तो बहुत लंबा हो जाएगा, जल्दी कीजिए मैं बताती हूँ एक मिनट आपको। देखिएगा बच्चों थोड़ा सा आपने एक चीज़ कम कर दी है, मैंने क्या बोला था अभी कॉस, देखिएगा अगर आपके पास कॉस 180 माइनस थीटा होता है तो आपके पास निकल के आता है माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये कॉस हमारा अगर मैथ्स वाले बच्चों ने तो 180 से नीचे वाले क्वाड्रेंट में, यहाँ पे केवल साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस है, कॉस वाला नहीं होता भैया, एक बायो वाले बच्चों लोग ऊपर से आ रहे थोड़ा सा डांट लेंगे इसको, मैं तुम्हें एक अलग से वीडियो बना के इसमें बताऊंगी क्वाड्रेंट के बारे में, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ पर क्या करना है, कॉस 180 में से हमें क्या लेके आना, 60 लेके आना है ना, है ना, हमें 120 को डिनोट करना है, 120 तो 120 क्या है, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं 180 माइनस 60, है ना, और ये निकलेगा हमारा माइनस कॉस 60 डिग्री, और माइनस कॉस 60 डिग्री मीन्स 1/2, अरे वाह सबको पता है। देखिएगा अब हमने क्या करना है इसे, ठीक है जल्दी से इसे नोट करेंगे यहाँ पे, ठीक है जल्दी कीजिए, जल्दी से कीजिए बच्चों। देखिए एफ ए एफ बी दोनों सेम है, सब तीनों एफ ए एफ बी इक्वल टू एफ सी, तीनों के मैग्नीट्यूड सेम थे तो हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ए एफ बी की जगह पर भी आपने क्या लिखना है, एफ ए स्क्वायर टू एफ ए एफ बी की जगह भी एफ ए कॉस कॉस 60 मीन्स माइनस 60, या फिर आप सीधे सीधे 120 की जगह पर माइनस 1/2 लिख देंगे, माइनस 1/2, इज इट क्लियर, इट विल बिकम रूट, देखिए 2fa square प्लस रूट 2 से नहीं 2 से 2 कैंसिल प्लस माइनस माइनस क्या बचेगा आपके पास fa into fa square, इज इट क्लियर। देखिए वैल्यू लास्ट में रखना आपके लिए थोड़ा अच्छा पड़ जाएगा, शॉर्ट पड़ेगा आपको सही लगेगा, 2fa square minus a square इक्वल टू आ जाएगा सीधे सीधे fa square और स्क्वायर से रूट कैंसिल, ठीक है, तो जो वैल्यू होगी एफ ए की वैल्यू क्या है हमारी, हमारा एफ ए बी है, एफ ए बी कितनी आ गई इसकी वैल्यू एफ ए, तो एफ ए की वैल्यू कितनी थी हमारी बताइए, 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ 3qq/L² अलॉन्ग किसके अलॉन्ग है भाई, अलॉन्ग क्यू सी, अलॉन्ग क्यू सी, ठीक है। तो भाई अभी हमारा आंसर पूरा नहीं हो रखा है, बी केयरफुल, देखिएगा जल्दी से इसे करेंगे, एफ ए बी आ गया, अभी हमारे इसका एफ ए बी और एफ सी का हमने क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है जल्दी से कीजिए, जल्दी से, समझ में सबको आ गया है, ठीक है। अब देखिए पॉज कीजिए और नोट कीजिए, बात करते हैं हम वेक्टर एफ ए बी का, हमारे डायरेक्शन इधर को है, हमने इन दो का रिजल्टेंट निकाला, अब जो रिजल्टेंट इसका है, इन दो का जो रिजल्टेंट है इसका, देखिएगा इसका रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट निकालेंगे कुछ इस टाइप से होगा, ये भी बता देंगे लवली और दीपांशा को, ठीक है, और योगिता हमारी वहाँ पे रस्सी छोड़ेगी, ठीक है। नाउ अगेन अप्लाइंग दिस क्वेश्चन, ठीक है, दिस फॉर्मूला
देखिएगा हमें थीटा देखना है आपके पास। इस एफ ए बी थोड़ी सी खिचड़ी पकाई हुई जो है हमारे सही कर लेते हैं, ठीक है आप लोग भी अलग से कर लेंगे इसे। क्यू हमने देखना है ये रिजल्टेंट वेक्टर एफ ए बी और ये वेक्टर एफ सी इसके बीच का हमने रिजल्टेंट देखना, वही हमारा क्या होगा फाइनल रिजल्टेंट। एंगल बताइए भाई, एंगल स्ट्रेट लाइन में है भाई, ठीक है स्ट्रेट लाइन में है तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो थीटा होगा। नाउ नाउ फॉर ए बी सी, सीधे सीधे ए बी सी फाइनल इट इज 180 डिग्री। ओके जल्दी से नोट करेंगे फॉर्मूला है, अगेन अप्लाइंग दिस फॉर्मूला एफ ए बी सी, ए बी सी या नेट दी देंगे आप इसे नेट। ओके ठीक हो गया बहुत आप देखें क्या करना है, यहाँ पर जो फॉर्मूला लेंगे आप एफ ए बी लेंगे आप यहाँ पे पहला ए की जगह पर एफ ए बी स्क्वायर एफ सी स्क्वायर, ये हो जाएगा एफ ए बी स्क्वायर एफ ए बी इंटू एफ सी। मेरी बात सबको समझ में आ रही है, दिस इज 180 डिग्री। आपको एक बात बता दूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कॉस 180 डिग्री इक्वल टू माइनस वन होता है, ये तो भाई कंटस्ट कर ले भाई, ठीक है कॉस 180 डिग्री हमारा माइनस वन होता है, कॉस 120 या कॉस 60 कितना होता है माइनस वन अपॉइंट टू होता है, या कॉस 120 भी वही होती है, ठीक है जल्दी से नोट करेंगे। ठीक एफ नेट रिजल्टेंट वेक्टर हाँ सॉरी 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 इसकी वैल्यू बताएंगे भाई जल्दी से, ये कितना था थोड़ी देर पहले हमने इसको कैलकुलेट किया था भाई कितना था, ये वही था जो हमारा एफ ए था बच्चों, ये वही था जो हमारा एफ ए था, ध्यान से देखिए भाई एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस टू एफ ए स्क्वायर एफ ए इंटू एफ सी कॉस 180 की वैल्यू रख दी मैंने माइनस वन, ठीक है एफ ए क्या है एफ ए तो भाई वही है जो हमारा एफ सी है ना, एफ ए हमारा वही है जो एफ सी है, एफ ए हमारा वही है जो एफ सी है, एफ सी इंटू माइनस प्लस माइनस माइनस होता है एंड एफ सी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर इज टू एफ सी स्क्वायर माइनस टू एफ सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसिल एंड वी हैव एफ नेट की वैल्यू जो आई भाई जीरो आ गई, अरे वाह ओ शिट ये क्या हो गया, वाह वाला हमारा होने लगेगा ना शिट ये क्या हो गया, इतना सब कुछ हमने एक जीरो लाने के लिए किया है, इतना सब कुछ हमने जीरो लाने के लिए किया है बट भाई करना पड़ेगा, इस जीरो को लाने के भाई आपको मार्क्स भी मिलेंगे जीरो मार्क्स नहीं मिलेंगे है ना, जल्दी से कर लीजिए ये हमारा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारा हो चुका है कंप्लीट, जल्दी से कीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करें नहीं करें मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देती हूँ बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो मैं कराऊंगी डोंट वरी, जल्दी से कीजिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे फिर, जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन को जल्दी से, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी इसलिए मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ, ठीक है जल्दी से नोट करेंगे और आपको मैं समझाऊँ नहीं समझाऊँ अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे लाइट की वो होने वाली है लाइट जाने वाली है अभी, देखिएगा ए बी सी तीन हमारे वर्टेक्स हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, ठीक है कंसिडर द चार्जेस क्यू क्यू एंड माइनस क्यू, एक चार्ज यहाँ पे रख दिया आपने क्यू, एक रख दिया यहाँ पे आपने क्यू, तीसरा चार्ज है हमारे पास ये, ठीक है ए बी सी देर आर थ्री वर्टिसेस ए बी सी, ठीक है माइनस क्यू सॉरी माइनस क्यू एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, एक चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है पहले इसका निकालेंगे फिर उसका कैसे निकालेंगे मैं आपको हल्की सी हिंट देती हूँ, आंसर मुझे आप खुद निकालेंगे बच्चों, इस ए पर इस क्यू चार्ज पर उसकी वजह से एक फोर्स लगेगा नाम होगा उसका एफ बी ए, चार्ज एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू चार्ज बी, बी पर कौन चार्ज है उसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा, ठीक है उसकी वैल्यू आपकी वही होगी 1/4 πε0 क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन आर, जो डिस्टेंस होगी इनके बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस है यहाँ पे बोला है इसका डिस्टेंस नो आर लिखेंगे अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है अलॉन्ग डायरेक्शन देखनी बहुत जरूरी है बिकॉज दे बोथ आर ऑफ फोर्स सेम चार्ज है तो अब रिपल्सन का फोर्स लगेगा, ठीक है तो क्यू इस पर कैसे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, नाम दे देंगे इसको एफ ए बी। सिमिलरली बात करते हैं माइनस क्यू की,
भाई ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, क्या होगा? ए पर काम करेगा ड्यू टू सी, मतलब अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, देखिए माइनस साइन देना नहीं है, बट ये चार्ज का जो साइन है हमें क्यू दिया है, क्यू इंटू क्यू, मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन अपोजिट है, इससे हमें ये पता लग रहा है। देखिए अलॉन्ग लिख देगा हम, पहले में अलॉन्ग, अलॉन्ग बी ए, बी से ए क्यू, ठीक है, ये माइनस है ये प्लस है, अपोजिट चार्ज है, अट्रैक्ट ईच अदर, यहाँ पे क्या था सेम चार्ज था रिपेल ईच अदर, इसलिए इधर को तो अलॉन्ग, देखिए क्यू को ये सी वाला चार्ज माइनस क्यू, क्यू पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा तो इधर को लगेगा हमारा कौन सा फोर्स, एफ ए सी। मेरी बात सबको समझ में आई, ठीक हो गई ये, ठीक है। अब फिर वही हो गया, यहाँ पे दीपांजलि थी, यहाँ पे लवली थी, वही चार्ज यहाँ पे योगिता बैठी है, तो ये लो दीजिए रिजल्टेंट कितना आ गया एफ ए का, दिस इज एफ ए, ठीक है, अलॉन्ग, इसमें अलॉन्ग लिख देंगे आप ए सी, ए सी के अलॉन्ग, रिजल्टेंट निकालना है आपने, रिजल्टेंट फिर वही फॉर्मूला लगाना है, कौन सा आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ये एंगल निकालना बहुत ज़रूरी है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा जल्दी से बताएंगे, दिस इज 60, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक एंगल हमारा 60 होता है, ठीक है, और ये वाला कितना है, ये पूरा एंगल बच्चों 180 का है, 180 में से आप 60 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 20 आएगा, 120, ठीक है, तो ये एंगल हमारा है 120 का, ठीक, तो यहाँ पर आप वही रखेंगे 120 के मीन कॉस माइनस 60, फिर से रखेंगे एफ ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एफ ए सी स्क्वायर, ये वाले इसका ये स्क्वायर करके आपने देखिए दोनों सेम वैल्यू है, वही काम करना है आपने जैसे वहाँ पे किया था, ठीक है, जल्दी से रखेंगे एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ ए बी स्क्वायर, इसको हम सीधे सीधे टू एफ ए बी स्क्वायर प्लस टू एफ ए बी स्क्वायर कॉस 60 रखेंगे सीधा, कॉस 60, कॉस 60 मीन्स माइनस वन अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, वी हैव टू एफ ए बी स्क्वायर माइनस एफ ए बी स्क्वायर, मेरी बात सबको समझ में आ रही है, यहाँ पे पहले वैल्यू रखना, और क्योंकि हमारा एफ ए बी और एफ ए सी स्क्वायर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, समझ रहे हैं आप, मैग्नीट्यूड है जो वो सेम है, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक सीधे एफ ए बी स्क्वायर, ये बचा हमारे पास सीधे स्क्वायर से ये कैंसिल, एफ ए बी इट मीन्स द फोर्स इज वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ओके, ठीक है, ये आर क्या है हमारी साइड ऑफ द, यहाँ एल भी ले सकते हैं इसकी जगह पर एल, जैसे कि हमने पहले लिया था आप आर भी ले सकते हैं, ठीक है, ओके, तो ये है हमारा क्या, सॉरी इक्वल ही रहेगा, तो ये है हमारा आंसर, अलॉन्ग डायरेक्शन लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप, अलॉन्ग ये किसकी तरफ ए से, कुछ नाम दे देंगे आप इसको सी डी, अलॉन्ग ए डी, ए डी, ठीक है, ये हमारा एफ ए निकल गया है बच्चों, इसी तरह से हमारा हमारे पास इस क्यू पर एक इसकी वजह से कितना चार्ज फोर्स है, ये इसकी वजह से कितना फोर्स है, ये इसका निकालेंगे, ठीक है, उसका नाम दे देना आप एफ ए बी। इस माइनस क्यू की बात करें तो इसको ए को हमारा ये फोर्स लगाएगा इस पर अट्रैक्शन का, एक फोर्स इधर को लगेगा, एक फोर्स बच्चों हमारा ये भी अट्रैक्ट करेगा, तीसरा फोर्स होगा हमारा ये जो हमारा निकाल दे आंसर, भाई तीनों आप एफ ए एफ बी एफ सी के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे अगर आप लोग समझ रहे थे, ठीक है, वेक्टर एफ सी इसकी वैल्यू जल्दी निकाल के दिखाएंगे आप मुझे, ठीक है, एंगल आपको पता है 60 है, सबकी वैल्यू आपने निकाल के रखनी है, ये तो हमारे सेम होंगे बट ये वाला आंसर आप मुझे आप निकाल के दे देंगे, ठीक है, तो ये हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, जल्दी से नोट कीजिए, ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, थैंक यू।